بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. आज अपने हुई है, चाहती हूँ वो एक और बार से एक्सपीरियंस शेयर करें। हमारी डीन ऑफ साइंसेज डॉक्टर रूही मुश्ताक, मैं उनको इनवाइट करूंगी, वो स्टेज पे आए और दुआ के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ पे दो या तीन साल पहले सूरह रहमान का यही वाला लेसन चला था, मैं यहाँ बैठी हुई थी तो मैंने भी सब लोगों के साथ पढ़ी थी, लेकिन जो चीज़ मैंने ख़ास तौर पे मेरे दिमाग में इस बात में जगह बनाई थी वो ये थी कि एक तो हम सडनली ऐसे बैठे बैठे ज़रा सी देर में उस लेवल तक कैसे जा सकते हैं, डेफिनेटली नहीं जा सकते। तो लेकिन मेरे जहन में ये बात जो मैंने पिक की थी वो ये थी कि इसके लिए प्री रेक्विजिट तो ये है कि आप सबको दिल से माफ़ कर दें, अपना दिल साफ कर लें। उस वक्त इस बात पे इतना एम्फसाइज नहीं किया गया था, जनरल सी इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप बैठ जाएं, सिर को झुकाएं और सोचें मैंने सबको माफ़ कर दिया और फिर सूरह रहमान की तलावत चलाई थी उन्होंने। तो मेरे दिमाग में वो एक बात बैठ गई थी। तो खैर मैंने 3 साल कर ली लिए, एक रात में काफ़ी देर कोशिश करती थी, फिर आपके दिमाग में फिल्म चलनी शुरू हो जाती है, वो तमाम लोग जिन्होंने कभी आपके साथ ज्यादती की, इवन जिनको मैं भूल भी गई हुई थी मुझे वो सब भी याद आ गया। एक रात गुजर गई, दूसरी भी गुजर गई, तीसरी, और उन दिनों ये जरूर था, मेरे डिपार्टमेंट वालों को भी पता ही है मेरा ये वाला बाजू है ना, ये तुम्हारा ऐसे उठा रही हूँ, ये यहाँ तक आ रहा था तो मुझे था कि मेरा शोल्डर फ्रीज हुआ है, और वो दरवाजे हमारे घर के 7.5 फुट ऊँचे हैं, तो जब मैंने सुबह ताज़ा हवा के लिए कुंडी खोलनी होती थी ना चिटकनी, तो मैं या किसी चीज़ पे चढ़ती थी या फिर बाएँ से आप ना अपने आप को इतना स्ट्रेच नहीं कर पाते। तो जब तीसरा दिन था ना तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये कितना मुश्किल होता है, एनीवे नामुमकिन नहीं है, पर सब लोगों को माफ़ कर देना, वो लोग जिन्होंने आपके साथ वाकई ज्यादती की हो या आपके साथ समझते हो, मेरे ख्याल में ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल है। तीसरे दिन मैं पुरसकून होकर सोई थी और मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए आमादा कर लिया, बल्कि मैंने अल्लाह मियाँ से कहा भी कि अल्लाह मियाँ अगर कभी मुझे दोबारा गुस्सा आ जाए इन लोगों पर तो प्लीज़ आप उसको रिकॉर्ड ना करना, मैं इन्हें माफ़ कर चुकी हूँ। तो मैं सुबह उठी तो रूटीन में मुझे बिल्कुल याद नहीं था, मैंने अपना दायां बाजू ऊपर किया, मैंने चुटकी खोल दी, अब इसको कई साल हो गए हैं। तो मैं इस कॉलेज में बहुत सालों से हूँ, बहुत से कलीग्स मेरे ऐसे हैं जिनको ये पता दिया, जिनसे शायद मैंने ये शेयर भी किया हो कि 2012 तक मैं उन लोगों में से थी कि मैं नमाज पढ़ती थी तो मेरे पास मांगने के लिए दुआ नहीं होती, मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं होती थी कि मैं अल्लाह ताला से मांगूँ कि सेहत दौलत या कुछ, मेरे पास कोई दुआ नहीं होती थी, और बहुत दफ़ा मैं नमाज़ पढ़ के और दूसरी पढ़ के उठ जाती थी, मोस्टली ऐसे ही होता था। तो फिर 2012 में मेरा अपेंडिक्स लीक कर गया था, तो तब मुझे मैं हॉस्पिटल गई, ठीक हो के आ गई, तो मेरी बेटी छोटी सी मुझे कहती मामा आपने कुछ तो किया होगा जो ये आपके साथ हुआ, क्योंकि मैं उनको बताती रहती थी बच्चों को आप सब तरबियत करते हैं, तो उसने मेरे पास बैठ कर मेरी गोद में घुसी के साथ कहती अम्मा कुछ तो आपने गलत किया होगा। तो फिर मैंने यही कहा कि मैंने सुना नहीं बेटा, मैंने अल्लाह मियाँ से ये दुआ मांगी थी कि अगर मेरी किसी गलती की सजा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, और अगर आजमाइश है तो आप मुझे इससे छुटकारा दें। तो मैं तो इस मैं सूरह रहमान मैंने इधर ही सुनी थी, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ थोड़ा सा तर्जमे के साथ, मैंने सूरह रहमान को सुना नहीं है, लेकिन जिस नतीजे पे मैं पहुँची हूँ यही है कि बीइंग मुस्लिम या इंसान हम में से हर बंदा दिल की गहराइयों से ये यकीन रखता है कि अल्लाह ताला है, हम दिल की गहराइयों से ये समझते हैं वो सबसे बड़ा है, पर हम दिल की गहराई से ये समझते हैं कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, लेकिन शायद हमारा फेल जो होता है ना हमारा अमल वो उसके पैरेलल नहीं चल रहा होता। मैं कोई बहुत अच्छा शायद खुद को एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमारे
ताला की कुदरत पे, उसके रहमान होने पे बिल्कुल शक नहीं है और दिल की गहराई से यकीन है। पर उस दिल की गहराई के साथ मेरे ख्याल में जो मैं समझती हूँ हमारा अमल उसके साथ नहीं चल रहा होता। बस मुझे सिर्फ यही शेयर करना है। خلق الإنسان.